बॉलीवुड सुपरस्टार केवल अपनी शानदार फिल्मों के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, बल्कि उन रिश्तों के लिए भी जाने जाते हैं जिनसे वो अपने करियर के दौरान जुड़ते हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, और राजेश खन्ना ने अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों के मुताबिक जिया है। फिल्मों के साथ वह अपने लव अफेयर्स को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं, और अपने से 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया को उन्होंने अपनी दुल्हनिया बनाया, और उससे पहले अंजू महेंद्रू के साथ 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उनके ब्रेकअप ने हर तरफ हंगामा मचा दिया था। हिंदी सिनेमा के उस दौर की एक्ट्रेस जो मॉडल और फैशन डिजाइनर भी थी और 70 के दशक में प्रिंट एडवर्टाइजमेंट का जाना माना चेहरा थी, अंजू ने फिल्मों में तो बड़े रोल नहीं किए लेकिन उनका नाम खूब हुआ। फिल्मों से ज़्यादा उनका नाम राजेश खन्ना के साथ रिलेशनशिप को लेकर हुआ, क्योंकि ये वो दौर था जब लड़कियां उन पर फिदा होती थी और शादी के सपने देखती थी, और तब राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू पर फिदा थे। और फिर 7 साल तक दोनों लिव इन में रहे, लेकिन शादी से पहले ही बात गड़बड़ाने लगी और दोनों की राहें जुदा हो गई। और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे और अंजू महेंद्रू तब स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, और जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, और अंजू एक समर्पित गर्लफ्रेंड के नाते राजेश खन्ना की हर बात मानती थी, और राजेश खन्ना भी उन पर अपनी कमाई लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और एक आलीशान बंगला भी उन्होंने अपने प्यार के लिए खरीद लिया था। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे, और काफ़ी साल लिव इन में रहने के बाद काका ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया, और अंजू की माँ भी अपनी बेटी पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह राजेश खन्ना से शादी कर ले, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और इसी बीच अंजू का नाम वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ जुड़ने लगा, तो इससे राजेश खन्ना गुस्से से तमतमा गए और उन्होंने अंजू से रिश्ता तोड़ लिया। और फिर राजेश खन्ना के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद अंजू का दर्द छलका।